हाय, वेलकम बैक माय चैनल ग्लोबल कम्युनिकेशन। आज हमारे पास है सैमसंग का A05S, जिसका मॉडल नंबर है सैमसंग SM057F। ठीक है, जिसमें क्या है, गूगल अकाउंट लगा हुआ है, उसे हम कैसे रिमूव कर लेंगे अनलॉक टूल से। ठीक है, तो वो चीज़ देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें अनलॉक टूल ओपन कर लेना है। अनलॉक टूल ओपन होने के बाद हमें सैमसंग वाले टैब में आना है और यहाँ पर हमें सर्च करना है मॉडल नेम। ठीक है, मॉडल नेम A05S। अब यहाँ पर हमें क्या है, दो चीज दिखा रहा है, बिट 1 और बिट 2। तो हम ये कैसे चेक करेंगे हमारे फोन में कौन सा है, बिट 1 है बिट 2 है, यानी बैटरी 1 है या बैटरी 2 है। ठीक, तो हमें क्या करना है, फोन को पहले स्विच ऑफ कर लेना है। फोन को हमें स्विच ऑफ कर लेना है। फोन जब हमारा स्विच ऑफ हो जाएगा तो हमें क्या करना है, डाटा केबल लगा लेना जो हमारा पीसी से कनेक्ट हो, यानी लैपटॉप से कनेक्ट हो। ठीक है, चार्जिंग लोगो दिखाएगा, चार्जिंग परसेंटेज दिखाएगा, फिर उसके बाद हमें क्या करना है, वॉल्यूम अप और ऑन स्विच दोनों को प्रेस करना है। ठीक है, चार्जिंग लोगो शो करने लग गया, हमें क्या करना है, वॉल्यूम अप और फिर ऑन स्विच दोनों को प्रेस करके रखना है जब तक हमारा सैमसंग लोगो नहीं आ जाए। सैमसंग लिखा हुआ जाएगा, हमें ऑन स्विच छोड़ देना है और वॉल्यूम अप दबाए रखना है। ठीक है, यहां पर रिकवरी ऑप्शन आ जाएगा। तो अब हमें यहां पर क्या चेक करना है, यहां पर हमें चेक करना, देख लेना, यहां पर मॉडल नंबर दिख रहा है 057F। अब इसके अंदर हमें क्या दिख रहा है, S2, यहाँ पर U2 दिखेगा या U1, यानी हमारा बिट 2 है। जो हमारा नंबर दिख रहा है ना, 4 डिजिट के बाद, मॉडल के 4 डिजिट के बाद हमारा जो मॉडल ये दिखे नंबर, वो हमारा क्या है, बैनरी हो जाता है, यानी बिट 1 बिट 2। तो हमें किस क्या दिखा रहा है इसमें, 2, यानी हमारा ये बिट 2 है। ठीक है, तो हम बिट 2 सिलेक्ट कर लेंगे। अब हमें क्या करना, फोन को ओपन कर लेना है। ठीक है, हमने यहाँ पर नटवर्ड सब कुछ ओपन कर रखा है, फोन को हम ओपन कर लेते हैं। फोन को ओपन कर लेंगे, फिर उसके बाद हमें इसका आइडियल पॉइंट देखना है। इसका आइडियल पॉइंट ये दो है, कैमरा की, ये छोटा कैमरा, इसके दो नीचे दिख रहा है, ये पॉइंट दिखा देता हूं मैं, 1 और 2, ये दोनों पॉइंट क्या है, हमारा आइडियल पॉइंट है। ठीक है, तो हम पहले बैटरी निकाल लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, डाटा केबल और एक चिमटी की सहायता से हम आइडियल पॉइंट पे ले आएंगे फोन को। ठीक है, आइडियल मोड जैसे आएगा हमारे यहाँ पर पोर्ट बन जाएगा। ठीक है, कोलकम का पोर्ट यहाँ बन चुका है। ठीक है, यहाँ कोलकम पोर्ट बन चुका है। अब हमें क्या करना है, ईडीएल इरेज FRP, इस पर क्लिक करेंगे। सक्सेसफुली क्या है, हमारा इरेज FRP ओके हो गया, यानी फोन अब हमारा रिबूट हो गया, यानी फोन बंद होकर चालू होगा। ठीक है, हम फोन को चालू कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा फोन ओपन होने में थोड़ा टाइम भी ले सकता है। ठीक यहाँ पर जब तक फोन ऑफ और ऑन हो रहा है, जब तक एक इन्फॉर्मेशन देना था आप लोग को, अगर आपको फ्री में मोबाइल रिपेयरिंग सीखना है, ठीक है, बेसिक्स लेके एडवांस लेवल, वो क्या, सुमन सर चैनल पे आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, या आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, डायरेक्ट वहां से भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, या फिर यूट्यूब पे चैनल सब्सक्राइब
सर्च मार सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारा सक्सेसफुली फोन ऑन हो चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं एसेसिबिलिटी ओपन आ चुका है। अब यहाँ पे स्टार्ट का बटन क्लिक, एग्री। इसमें वाईफाई कनेक्ट है। फॉरगेट, स्किप, डू नॉट कॉपी, स्किप। स्किप, नेक्स्ट, स्किप, नेक्स्ट, नेक्स्ट, फिनिश। यहाँ पर हमारा सक्सेसफुली FRPN रिमूव हो चुका है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Right. Okay.